नहीं, वो तो क्या हुआ है कि कोई जो कर्मचारी है उनके किसी बात को लेकर के मामूली से कोई बात हुई होगी, उसको लेकर के कुछ हम्बाल तलवारें लेकर के आ गए, जो वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि एक ने तलवार जो है कोई राहुल करके इसका व्यापारियों का कर्मचारी है उसके मार दी, तो फिर जो है सारे व्यापारियों ने जो है मंडी को बंद कर दिया। बंद करके फिर उन्होंने ये तय किया था कि आप मंडी अब नहीं चलाएंगे जब तक कि इन हम्बालों की कोई सही साठ व्यवस्था नहीं हो जाए। तो उस उपरांत सबकी बैठक रखी, अब इन्होंने ये तय किया है कि जो वर्तमान में माल मंडी में पड़ा है, जो भी माल आज आया है उसको वो नीलाम कर देंगे, और बाकी माल जो है वो सोमवार से मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगी जब तक कि ये व्यापारी अपने खुद के हम्बाल रखेंगे। और अब ये मंडी के हम्बाल की जगह जो जो भी जिनका रजिस्ट्रेशन है ऐसे हम्बालों को ये व्यापारी खुद रखेंगे और उनसे जो माल का तुलाव कराएंगे। अब ये मर्जी चाहे हम्बाल यहाँ पर जो है किसी का माल तोड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था हम कायम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने संपूर्ण जो है मंडी सोमवार से बंद कर रहे हैं, और ये हम्बालों की व्यवस्था जो है व्यापारियों की खुद की रहे, ऐसा निर्णय सभी व्यापारियों ने दिया। भाई सब देख रहे हैं कि किशोर पशुपन मंडी के अंदर ऊपर जाती है, परंतु हथियार भी देखने को मिला मंडी के अंदर, तो क्या कुछ कठोर कार्रवाई अपने को तो ये कार्रवाई तो प्रशासन करेगा, आप उनसे पूछो। हमने तो विचार जिसके लगी है उसने रिपोर्ट दर्ज कर दी है और आश्वासन तो यही मिला है, बाकी सेक्रेटरी साहब बैठे आप इनसे बात कर लीजिए। भाई साहब अगर बात करें तो मंडी में जिस तरीके से विवाद हुआ कि व्यापारी के हम्बाल अलग थे और एक हम्बाल अलग थे, किस तरीके नहीं, व्यापारियों के कोई हम्बाल अलग नहीं थे, व्यापारियों के तो कोई हम्बाल थे ही नहीं, सारे हम्बाल किसी मंडी में लाइसेंस दारी है यहाँ पे जो हम्बाल काम कर रहे हैं। तो कोई नियम बनेगा कि जो आप जो हर व्यापारी का हम्बाल अपना रहेगा, मतलब खुद के हम्बाल रहेंगे खोलेंगे, जिससे कि ये झगड़े तंते ना रहे। अभी से बाकी बात आप सेक्रेटरी साहब से कर लें, या शाम के समय जो व्यापारियों का जो सैंपलर होता है पूरे माल दिखाता है, उसको कहीं किसी स्थिति में डाउट होगा कि जो हमारे कुछ माल हैं लाल गुलाब से भी प्रेरित हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर मंडी समिति ने पहले भी जो हमालों के लाइसेंस से निलंबित किए हैं, बाकी जो 11 लोगों की लिस्ट जगह जगह फ्लैश पोस्टर पर लगाई, तो ये उनके द्वारा क्रिया की प्रतिक्रिया है। और इस समय हमारा प्रशासन बहुत सख्त है, इनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि उज्जैन मंडी की तर्ज पर वहाँ भी ऐसी वारदातें होती थी, उनसे मुक्ति के लिए वहाँ के व्यापारी संघ, वहाँ के अध्यक्ष गोविंद जी खंडेलवाल जी के द्वारा प्राइवेट वेंडर बुलाकर और प्राइवेट हम्बालों को समस्त मंडी में लगाया गया और उनसे ही कार्य करा रहा है। तो जो जिसको काम मेहनत करना है वही मंडी में रहेगा, किसी की दादागिरी किसी की ऐसी अनैतिक गतिविधि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी प्रशासन बहुत सख्त है, हमारे SP साहब हमारे कलेक्टर साहब लगातार संपर्क में है, हमारी भारसाधक मैडम डॉक्टर श्रीमती ममता खेड़े सेम कलेक्टर तो लगातार संपर्क में है। तो ऐसे तत्वों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि ये नीमच शहर के लिए एक मिसाल होगा। और मैं व्यापारी संघ का भी बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी बहुत संयम से बातचीत की और प्रशासन का सहयोग करा, उसके लिए व्यापारी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अभी बैठक के अंदर आड़त को लेकर बात करेंगे, आपने फ्लैग्स भी लगाया, तो इसके ऊपर भी क्या कुछ कठोर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। हमने व्यापारी संघ को भी बता दिया है कि ऐसे व्यापारी करते पाए जाएँ उनका बिल्कुल सहयोग न किया जाए, और आड़त पर भी जो है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम्बालों को लेकर जिस तरह से आपने बात कही है कि हम्बालों को लेकर जो अब एक रणनीति तैयार की जाएगी, क्या मानते हैं क्या मंडी से जब एंट्री होगी तो क्या हम्बालों को कोई पर्ची दी जाएगी कि आप सभी अंदर आदमी, तो कोई भी अंदर आ सकता है? बाद में पर्ची देने की इसलिए आवश्यकता नहीं होगी कि जो सभी व्यापारी रहेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होकर रहेगा, और वो व्यापारी के हम्बाल रहेंगे उनकी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो मंडी के द्वारा की जाएगी, जो कि ऑनलाइन होती है।